राम राम जी, कैसे हैं आप सब। परसों हुआ था जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद हमें अंदेशा हो गया था कि शायद दिल्ली में लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि ये चर्चा चल ही रही थी। इसलिए कल हमने अपना जो भी यूज़ का सामान था वो स्टोरेज में ला के रख लिया है। मेरे हस्बैंड 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह ले आए थे स्टोरेज में ही। वैसे तो खुले हैं, इजी डे वगैरह खुला है, वो लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं। मैंने आज भी कुछ सामान मंगाया है, बट फिर भी हमने ये सब चीज़ें ला के रख ली। नहीं पता कब बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ मैं वही अपने आलू प्याज की टोकरी में लगा रही हूँ, और प्याज में छील छील के ही रखती हूँ ना, तो है ना इनके छिलके सारे फिर बाद में बहुत कचरा कर दें। 5 किलो प्याज है, कभी कौन खाएगा। ऑल आउट तो चल रही है, अभी बंद की है मैंने सुबह। गाई थी रात में उठ के, ऑल आउट तो गाई पंखा चार्ज किया। मैं फिर पापा इतनी सारी प्याज ले आए, बाप रे, क्या बिल्कुल सारी प्याज में बुरके मरवाएंगे। आलू प्याज टोकरी में रखने के बाद जो मेरी सब्जियां थी उनको मैं फ्रिज में रखने के लिए बैठ गई नीचे, और मैंने जो नीचे वेजिटेबल बॉक्स होता है फ्रिज के अंदर उसमें बिछा दिया है एक प्लास्टिक का मैट। मैं हमेशा बिछा के ही रखती हूँ, और ये इस तरीके से ना वेजिटेबल नेट है मेरे पास। इसमें ना तो सब्जी ख़राब होती, क्योंकि इसमें हवा लगती रहे सब्जियाँ का, तो मैं वेजिटेबल नेट में डाल डाल के रख दूँगी जो भी सब्जियाँ नेट में डालने की हैं। ये मैं गवार फली डाल के रख रही हूँ इसके अंदर, और पहले मैंने शिमला मिर्च डाल के रखी थी, और बाकी की जो सब्जियाँ नेट में डालने की नहीं है उनको मैं ये वेजिटेबल जो बास्केट्स मैंने छोटी छोटी ला रखी हैं स्टोरेज फ्रिज बास्केट, इसमें टिश्यू पेपर लगा के और इसमें डाल डाल के फ्रिज में रख दूँगी। इससे ना तो फ्रिज में ज़्यादा गंद मचती है, और ना सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं बहुत अच्छे से। आपको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ जब आप फ्रिज खोलते हो तो मिल जाती है। और ये अदरक ले आए थे बहुत सारी मेरे हस्बैंड, तो इसमें से कुछ अदरक गीली है, तो गीली अदरक को मैंने अलग बास्केट में डाल दिया, और जो सूखी सूखी अदरक है वो दूसरी बास्केट में डाल के मैं रख दूंगी। क्योंकि गीली अगर अदरक मैंने सूखी के साथ मिला दिए तो सारी अदरक ख़राब हो जाएगी, तो पहले मैं सूखी अदरक को यूज़ नहीं करूँगी, पहले मैं गीली अदरक को यूज़ करूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू व्रत मत कर नवरात्रे के, सिर्फ जोत जोत कर ले, तो मैं उनकी बात सुन रही थी आराम से बैठ के काम धंधा छोड़ के। तो ये छोटी सी हमारी बातचीत की क्लिप मैंने आप लोगों को सुनाई है, जिसमें मैं मेरे हस्बैंड को ये बोल रही थी कि ठीक है मैं नवरात्रे नहीं करूँगी लेकिन जोत मैं अखंड ही लगाऊंगी, जब वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि ठीक है घी की नदियाँ बहा दूंगा मैं। और अब सारा जो सब्जी वगैरह थी वो सब रखने के बाद, अपना सारा सामान सेट करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नवरात्रों का प्रसाद काटने के लिए, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं। और नवरात्रों में मैं बनाती हूँ पंचमेवा का प्रसाद, जिसमें मैं डालती हूँ काजू, बादाम, किशमिश और सूखा गोला कस के, और उसमें धागे वाली मिश्री। तो यहाँ मैं काजू, बादाम और किशमिश को छोटा छोटा काट लूँगी, और जो गोला है उसको कस लूँगी। तो यहाँ बैठ के बस मैं वही कर रही हूँ, और बस ये कटने के बाद फिर मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके और एक डब्बे में डाल दूँगी। मैं हर बार नवरात्रों में यही पंचमेवा का प्रसाद बनाती हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए, तो बस मैं यहाँ वही बना रही हूँ। तो एक बार प्रसाद बना लूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.
कैसे हैं आप सब? सुबह से अब मिलने का टाइम मिल रहा है आप लोगों से, और अब टाइम हो गया है 12:15 एंड मेरा लंच बनाने का टाइम है, और मेरा ये नवरात्रों का प्रसाद बनके रेडी हो चुका है जो पंचमेवा प्रसाद में बना रही थी। और इसमें ना मैंने वो भी डाल दी, किशमिश भी डाल दी है, काट के मोटी मोटी काट के डाली है ताकि अच्छे से खाई जाए, क्योंकि किशमिश तो बारीक कटती नहीं है यार, किशमिश मोटी ही कटती है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और सूखा नारियल, किशमिश, और अब मैं इसमें डालूँगी धागे वाली मिश्री को कूट के, धागे वाली मिश्री को कूट के बारीक कर लूँगी, चाहे थोड़ी हल्की सी मोटी मोटी रख लूँगी तो वो मिला दूँगी, उससे ये मीठा हो जाएगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा, और मेरा पंचमेवा का नवरात्रे का प्रसाद भी बन गया। कल से नवरात्रे हैं सबको पता है, लेकिन सामान नहीं मिल रहा है ये भी सबको पता है। अब पता नहीं नवरात्रे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो तो माता रानी के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि सामान मिल नहीं रहा है, ना नारियल मिला ना चुन्नी मिली, घी तो मैंने मंगवा लिया, कॉटन भी मैं बंडल रखती हूँ तो जोत का तो काम चल ही जाएगा, बट नारियल और कलश जो रखते हैं तो नारियल नहीं मिला है। मैंने कुछ एक सामान मंगाया था इजी डे से, घी वगैरह मंगाए थे, वो घर के बाहर ही रखा हुआ है, उसको मैं उठाऊंगी शाम को, क्योंकि हम ऑनलाइन अगर कुछ भी मंगा रहे हैं तो मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ उसको, 8-10 घंटे के बाद ही घर में लेके आते हैं, शाम को आता है तो मॉर्निंग में लेके आते हैं, सुबह आता है तो शाम को लेके आते हैं, बट नारियल नहीं मिल रहा है। अगर किसी को नारियल मिल गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कहाँ से नारियल खरीदा है, मैं अभी मंगा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नारियल दुकानें ही नहीं खुली है यार, क्या करें, नारियल कहाँ से मिलेगा, दुकानें ही नहीं खुली हैं। तो अब मैं जा रही थी लंच बनाने, नाश्ता वाश्ता तो कर लिया था, तो अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, और मैं मिलूँगी आप लोगों को, पहले एक बार सामान दिखा देती हूँ उसके बाद बताती हूँ मैं कब मिलूँगी आप लोगों को, ठीक है? मेन गेट के बाहर रखा हुआ है। हाँ देखो, मैं कोई भी सामान अगर ऑनलाइन मंगा रही हूँ या बाहर से कभी भी आ रहा है तो हम लोग यहीं पे सामान छोड़ देते हैं और हम इसको अंदर लेते हैं कम से कम 8-10 घंटे के बाद। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि बाहर से कोई भी सामान आए तो उसको तुरंत अंदर ना लेके जाएं। ये मैंने मंगाया था जोत का घी, क्योंकि मैं नवरात्रों में अखंड जोत लगाती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर नारियल मिल जाएगा तो जोत लगा लेंगे। वैसे जोत का मैं देखूंगी, मैं पूछूंगी मम्मी से या डैडी से पूछूंगी कि क्या करना है, बिना नारियल के अखंड जोत लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, क्योंकि अब तो चारों तरफ ही हालात एक जैसे हैं, जब हमें नहीं मिल रहा है सामान तो सबको कहाँ से मिलेगा। तो मैं पूछूंगी मम्मी डैडी से, जैसे भी होगा वैसे करूंगी, अगर बोलेंगे कि लगा लो बिना कलश नारियल के अखंड जोत, वैसे लगती नहीं है कि अखंड जोत लगाते हैं तो हमें कलश स्थापना और जो बोनी ही पड़ती है वो होता है अखंड जोत में, उसके बिना अखंड जोत हम नहीं कर सकते हैं, तो अगर अखंड जोत नहीं हो पाई तो फिर सुबह शाम की करूँगी। तो चलो अब फिर मैं बना लेती हूँ खाना और मैं मिलूँगी आप लोगों को नई वीडियो में। इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पे बाइंड अप, तब तक सभी को टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, बहुत ध्यान रखना अपना, और जो कर्फ्यू चल रहा है उसको फॉलो करना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हमारे फ़ायदे के लिए लगाया है, इसमें गवर्नमेंट का अपना कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आम जनता का फ़ायदा है, तो बी केयरफुल और इसको फॉलो करना ज़रूर, इसको उल्लंघन मत करना कोई भी, कि गवर्नमेंट को मजबूरन आप लोगों को सजा देनी पड़े तो फॉलो करना है इसको पूरा पूरा, अपने घर में रहो, एंजॉय करो, और बहुत मुश्किल से मौका मिला है कि पूरी फैमिली एक साथ घर में रह रही है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जेंट्स को जॉब के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, और ये लेडीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी लेडीज़ की, हमारे पति हमें टाइम नहीं देते। अब फुल टाइम है आप लोगों के पास अपने पति के साथ, फुल यूटिलाइज़ करो इस टाइम का, फुल काम करवाओ अपने पतियों से पूरा पूरा काम करवाना अपने अपने पतियों से। अब लेडीज़ को रेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मौका दिया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन अपने पतियों से काम करवा रहा है और किस किस के पति काम कर रहे हैं। मेरे पति तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे पति बस ये करते हैं कि जो काम हो रखा है उसको फैला के छोड़ देते हैं।
उसको समेटते रहो बाद में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई काम करना आता नहीं है और मैं बोलती भी नहीं हूँ। वो बस क्या करते हैं, बस यही है कि हस्बैंड के घर में रहने से काम पड़ता ही है, कम तो होता नहीं। खैर ये बहुत अच्छा टाइम मिला है, मजाक की बात एक अलग थी, लेकिन बहुत अच्छा टाइम मिला है कि आप लोग पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। हर घर बिग बॉस का घर बन गया है, तो ये जो अपना घर बिग बॉस का घर बना है उसको एंजॉय करो। अब आप लोग 24/7 एक घर में बंद हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि तो फेंक दो उसको, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ ना वो रखा है बैग, एक गार्बेज बैग रखा है सिंक के पास, उसमें डाल दो डस्टबिन वाला। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई क्या बोल रही थी, बताने क्या बोल रही थी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन इस टाइम को एंजॉय कर रहा है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल्स भी बंद हैं, बुक्स आई नहीं है, खुशी की बुक्स आ गई हैं, उसकी ई क्लासेस चालू हैं, तो उसका तो काम हो ही रहा है, 10th क्लास है तो शेड्यूल्स वगैरह उसके अपलोड हो रहे हैं साइट्स पे, टीचर्स भी पूरा सब दे रही है उनको काम वाम, तो उसकी तो भी किताबें भी यहीं पर पड़ी हैं, वो पढ़ रही थी अभी भी, बट लकी की बुक्स मिली नहीं है। और वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी शायद, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक सभी को प्यार भरी राम राम, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।